जाते हैं जो चुनाव आ रहे हैं और आपने बहुजन समाज पार्टी को मौके पर अलविदा कह दिया है। जय भीम, जय भारत। मेरे सभी साथी जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, और मैं शुक्रगुजार हूं कि आप मीडिया कर्मियों का, कि आपने अपने कीमती समय से थोड़ा टाइम निकाला और यहां पे आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सवाल पूछा है कि आपने बीएसपी पार्टी से रिज़ाइन क्यों दिया, बहुजन समाज पार्टी से रिज़ाइन देने का मेरा एक ही मोटिव था कि वो पार्टी है जो नौजवानों को मौका नहीं देती, नौजवानों को हमेशा उन्होंने पीछे रखा है। जब से मैंने बीएसपी पार्टी ज्वाइन की थी तब से लेके आज तक कभी भी उन्होंने नौजवानों को आगे आने के लिए प्रेरित नहीं किया, कभी उनको आगे नहीं आने दिया। इसी वजह से मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी, और इस समय कल ही मैंने आज़ाद समाज पार्टी के साथ अपना दामन जोड़ा है, मैंने उनको ज्वाइन किया है। आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी की पार्टी है, आप सब उन्हें जानते हैं, सब ने उनको देखा है, वो भी एक युवा हैं, और मुझे लगता है कि युवा की सोच को एक युवा ही समझ सकता है, ना कि मेरी जगह पे बहुजन समाज पार्टी ने जिसको मैंडेट दिया है सुचेतगढ़ में, वो एक रिटायर्ड पर्सन है, और सरकार की तरफ से जो एक रिटायर होके जिनको रेस्ट करने के लिए सरकार ने भी बोल दिया है, और वो अब समाज की सेवा करेंगे, मुझे नहीं लगता उनको हमें भी मौका देना चाहिए। अब आप भी चुनाव लड़ोगे सुचेतगढ़ से? बिल्कुल, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से मुझे आश्वासन दिया गया है कि आप सुचेतगढ़ में काम कीजिए और इस ये वाली विधानसभा इलेक्शन में आप कंटेस्ट करेंगे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रजत कुमार भगत जी, उनकी देखरेख में ही मैं यहाँ पे चुनाव लड़ूंगा आज़ाद समाज पार्टी से। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जाओगे? देखिए, मेरे मुद्दे तीन चार हैं। यहाँ पे ज़्यादातर सुचेतगढ़ में जो आबादी है वो हमारे किसानों की है, 70-80% हमारे किसान हैं सुचेतगढ़ में, और यहाँ पे ज़्यादातर किसानों को जिन मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है, जो उनको मुश्किलें आ रही हैं, सबसे पहले है उन्हें नहरी पानी टाइम से टाइम नहीं उन तक पहुँचता, ताकि उनको उनकी फसलें ख़राब होती हैं, उनके फसलें टाइम से नहीं होती। उसके बाद बिजली का जो मेन मकसद है, बिजली का मेन जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ताकि क्योंकि हमारी जो यहाँ पे बिजली डिपार्टमेंट है, उन्होंने यहाँ पे डिजिटल मीटर ला के, स्मार्ट मीटर लगा के बहुत ही किसानों पे कहर डाया है, और साथ ही साथ जो भी मोटरें हैं उन पर भी वो स्मार्ट मीटर चिपका दिए हैं। अब बताएं जनाब, किसान है यहाँ पे जो